सो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनए क्लास। कैसे हो आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को जो चल रहा है। आपको 6 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं मैथ्स के, और हमने अभी तक के हम रेशनल, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल पर चल रहे थे, तो हमने एक एक्सरसाइज भी आपका कम्प्लीट करा दिया है। तो अब थोड़ा सा और देखेंगे, हमने अंडर रूट 2 को भी इरेशनल प्रूव करके आप लोगों को दिखाया हुआ था, तो अब आप लोग हमसे देखेंगे कि अंडर रूट 3 कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले काम कर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होगा, हमने क्वेश्चन लिया क्या, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल रेशनल नंबर। बच्चों, अगर चैनल पे आप लोग नए हो और क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो टर्म 1 के लिए, तो सबसे पहला काम आपका है, आप प्लेलिस्ट में जाइए डीएनए क्लास की, और वहां से जाके आप फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से आप देखना शुरू करिए, आपको इजीली समझ में आएंगे। और हम लोगों ने इसको कंप्लीट सिलेबस पूरा करने का वादा भी आपसे किया है कि हम आपका कंप्लीट करा के ही रहेंगे। आपका टर्म 1 जो भी आएगा पूरा, वो टर्म 1 यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस, कोई भी सिलेबस मैथ्स का और साइंस का छूटने ना पाए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अगर आपने हमारे वीडियोस को पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो हमने प्रूव कराया था अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा अंडर रूट 3 के लिए, कोई नया तरीका नहीं है, सब वही पुराना वाला कंट्रडिक्शन मेथड। कंट्रडिक्शन मेथड क्या होता था, हम मान के चलते हैं कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो जाता है, और फिर लास्ट में हमको क्या पता चलता है, भैया ये रेशनल नंबर तो हमने माना था लेकिन हो गया इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम हमारा है, इसको हम क्या किए, लेट अस अज्यूम क्या अज्यूम किया भाई, अज्यूम किया कि अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर हमने भाई अजम्पशन में ले लिया, क्योंकि हमको पता था कि ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर हमने रेशनल अज्यूम किया है तो ये क्या होगा, ये इरेशनल हमारा तभी माना जाएगा जब हम इसको रेशनल हम सिद्ध कर दें कि ये रेशनल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने इसको क्या कर लिया भाई, अज्यूम कर लिया। तो आप लोगों ने कहा कि भैया हमने अज्यूम कर लिया। अब जब अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी कहो चाहे पी बाई क्यू कहो, रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है पी बाई क्यू होना चाहिए। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको होना चाहिए, दिया होना चाहिए, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर कहता है। अब हमने क्या किया, इसको पी बाई क्यू को हम लिख सकते हैं ना ए बाई बी। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसको कुछ भी लिख सकते हैं भाई, नंबर दे सकते हैं, सॉरी वेरिएबल दे सकते हैं। तो वेरिएबल दे सकते हैं, तो हमने पी को ए कह दिया, क्यू को बी कह दिया, बात खत्म। हमने पिछले में पी बाई क्यू करा के करा था, अब की बार चलो फिर से पी बाई क्यू करा के ही करते हैं। चलो भाई, अब इसके बाद क्या हो गया, पी बाई क्यू हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, क्यू को इधर लाया, क्यू को क्या किया, इधर लाया, क्यू इधर आया, तो हो गया पी इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जब p इज इक्वल टू q अंडर रूट 3 हो गया, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। अब जब स्क्वायर होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब सर क्या होगा, p स्क्वायर ये हो गया ये साइड, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, ठीक। अगर आपको आता होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा 3 को अब इधर लाते हैं, तो हो जाएगा क्या बच्चों, हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। बिल्कुल हो जाएगा, पी स्क्वायर के नीचे ही तो 3 को लाया, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर हमारा डिवाइड करने लगा। तो हम यहां से बच्चों क्या कह सकते हैं ना, पिछली क्लास के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, है ना।
पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, हमने यहाँ पे कह दिया बच्चों। अब जब पी स्क्वायर डिविजिबल है थ्री से, तो हम एक थ्योरम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर पी इज डिविजिबल बाई सॉरी एनी नंबर इज डिविजिबल बाई, या हम कह सकते हैं ए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई बी, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाई बी। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हमने एक थ्योरम कराया हुआ है, तो अगर हमारा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री है, हमारा पी स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री, है ना। ये चीजें आपको बताई गई हैं पिछले क्लासेस में, आप देख लीजिएगा। P, अगर P square divisible by 3 है, तो P also divisible by 3, तो P जरूर P भी divide होगा 3 से, है ना बच्चों, समझ में आएगा। अब जब P square divisible हो गया 3 से, P also divisible है, तो यहाँ पे हमको एक चीज मिल गया कि चलो भैया क्या है कि यहाँ पे P is divisible by 3, इसको कर लेते हैं एक अंदर, ठीक कर लिया हमने, अब सर हमने कर लिया। अब इस टॉपिक को यहां तक नोट करिए, इसके बाद हम बता रहे हैं, यहां तक नोट हो गया हमने देखा। अब हम थोड़ा सा आते हैं मुद्दे की तरफ। अब हमने देखा क्या बच्चों कि अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री and p is divisible by 3 by 3, hence अब बच्चों क्या होगा, हमारा पीछे क्या आया था, पीछे यही आया था कि अंडर रूट 3 को हमने क्या माना था, p by क्यों माना था अंडर, तो p क्या था divisible by 3 था, तो क्या हो जाता 3 is equal to q square is equal to p square upon 3 था, यही था ना, है ना, यही आया था, आपने पीछे देखा होगा तो यही आया था। अब यहाँ पे हमको एक चीज बताइए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो हम कहते हैं कि p अगर डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब 3 इज द मल्टीपल ऑफ p, 3 इज द मल्टीपल ऑफ p, तो हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3, हमने कह दिया कि m है, मान लीजिए हमने कह दिया p 3 से डिविजिबल है, और p को 3 से काटने के बाद हमने कहा कि m आ रहा है, है ना, तो हमने क्या कहा ये आ रहा है, तो हमने m क्या होगा, m कोई एक नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर मान के चलते हैं कि ये हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू वहां से हमने की कि p क्या है, 3 का मल्टीपल कोई है, p इज द मल्टीपल, 3 इज द मल्टीपल ऑफ p, तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू रख दी 3m, तो क्या हुआ q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m का होल स्क्वायर अपॉन 3, हो गया बच्चों। अब जब यहां पे हो गया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर अपॉन 3, 3 एक 3 से एक 3 चला गया, बचा 3, बच्चों ये 3 जो है ये इधर आ गया, हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, किसको किसको समझ में आया। अब यहां से हमको ये पता चल गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय is divisible by 3, और अगर q square is divisible by 3 तो q is also divisible by 3, ठीक है। अगर q square divisible by 3 है तो q भी divisible होगा 3 से, ठीक, यहां तक हमारी बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमने क्या कहा था, हमने बताया था आपको, हमने सबसे पहले बताया था, अब यहां तक आपने नोट कर लिया, हमने यहाँ पे क्या किया दूसरा बॉक्स बना लिया, दूसरा बॉक्स क्या बनाया, q इज डिविजिबल बाई बाई 3, है ना, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब एक चीज बताइए, p भी डिवाइड हो रहा है 3 से, q भी डिवाइड हो रहा है 3 से, अंडर रूट 3 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड दे आर को प्राइम से क्या समझते हैं बच्चों, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब इन लोगों का एक चीज तो पता चल गया
इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर इस हिसाब से रेशनल नंबर होते तो उस हिसाब से इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ हमको जब हमने देखा, यहाँ हमने देखा, वहां हमने माना था कि ये रेशनल है, लेकिन रेशनल में क्या कंडीशन थी, ये को प्राइम होते हैं रेशनल। तो को प्राइम का मतलब होता है पी और क्यू में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन ना हो, और यहाँ पे हमको मिल गया 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, हेंस इट इज द, हेंस, चलिए फिर से लिखते हैं, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, हेंस कॉन्ट्रेडिक्शन इज फेल, कॉन्ट्रेडिक्शन हमारा फेल हो गया, हमारा अजम्पशन फेल हो गया, सॉरी हमारा अजम्पशन, हेंस अजम्पशन इज फेल, इट इज इरेशनल नंबर। हमने आसानी से अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। चलो बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन आप लोगों का एग्जांपल है और हमको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा जल्दी ही चैप्टर, बस एक एग्जांपल और समझाना है, एक्सरसाइज आप एकदम इजी हो जाएगा, आप लोग अपने मन से करिएगा कोशिश, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे एक्सरसाइज का, ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग बस थोड़ा सा ना क्या है कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको आप लोग बराबर देखा करिए, और एक बार नहीं समझ में आए दो बार देखिए, दो बार नहीं समझ में आए तीन बार देखिए, और जो भी पूछना हो आप लोग पूछ लिया कीजिए। तो हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, एक एग्जांपल करा देते हैं, थोड़ा आप लोगों का जो वो है मेंटेलिटी कि सब समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 3√2 इज अ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमको ये तो पता है ना कि √2 इरेशनल नंबर है, इतना तो हमको पता ही हो गया है। तो सो दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 11, एग्जांपल 11 है आपका, कह रहा है कि 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, ये नंबर हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है, ये नंबर हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला, सबसे एंशियंट तरीके से, सबसे ट्रेडिशनल तरीके से जो भी हमारे पास काम आ रहा है वो है हमारा 3√2 is a rational number, rational number, इसका मतलब हमने इसका हमेशा let us का मतलब क्या हुआ, हमने हमेशा इसका assumption ही लिया है कि जब भी हमको कोई सा भी number हो इस chapter से related या इस topic से related, अगर इस topic से related कोई भी number आता है कि अगर आपको irrational number prove करना है तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम उसको रेशनल नंबर मानेंगे, बाद में हम उसको बताएंगे कि नहीं यार ये रेशनल नंबर नहीं था, अब हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, 3√2 को हमने कहा कि ये रेशनल नंबर है ना, इसने कहा कि 3√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करिए, लेकिन हमने कहा 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अब 3√2 इज अ रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा यार, p by q चाहे a by b कुछ भी लिखो, अब a by b के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो हमने यहां क्या किया, लेट्स ट्रांसफॉर्म ईच अदर साइड, अब इन साइड्स को अब हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, अब √2 को हमने यही छोड़ दिया, क्या किया √2 को हमने यही छोड़ दिया, 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा था बच्चों, यहां जाएगा डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, a अपॉन 3 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां जाके b के साथ डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो एक चीज बताइए, हमने यहां पे अजम्पशन लिया था कि ये रेशनल नंबर है, और यहां पे हमारा इसको बस ट्रांसफॉर्म किया, एक साइड से दूसरे साइड किया है, और ये इस फॉर्म में बन गया, क्योंकि हमने 3√2 को a / b के फॉर्म में लिख दिया था, और ये √2 यही छोड़ दिया, a / b तो यही रहेगा, बस 3 को हमने क्या किया, हटा दिया, 2 से अलग कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है बच्चों कि यहीं से हमारा आंसर खत्म हो गया, आंसर आ गया कि क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज √2 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस a बाई 3 भी
a by 3b is also irrational number. Now our assumption is wrong. Hence 3 under root 2 is also irrational number. मजा आया कि नहीं आया बोलो भाई. चलिए मजा आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए. तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय.